सरकार आती है कहती है महंगाई पे रोक लगाएंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है वो सारी बातें भूल जाती हैं। कामकाज भी आदमी लोग का छूट गया है कोरोना महामारी में, प्रॉब्लम तो होगा ही आदमी को ना। मंदी के माहौल में महंगाई की मुसीबत हर किसी को मुश्किल में डाल रही है। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले नीति निर्माता हों या फिर मेहनतकश आम आदमी, हर कोई इस महंगाई के सामने पस्त नजर आ रहा है। लेकिन अब इस बेमौसम बरसात ने महंगाई में और इजाफा होने की आशंका बढ़ा दी है। दरअसल बारिश से धान, सोयाबीन, लहसुन, आलू की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों के लिए तो ये बारिश बड़े नुकसान की वजह बन गई है। उसमें कुछ भी नहीं है फसल में, वैसे सड़ जाएगा खेत में। अभी बाले नहीं आई थी पूर्ण रूप से। आंधी पानी जो सर बहुत बरसात सर हुआ था और हमारा 5 एकड़ सर धान बोया गया था, उसमें से केवल 15% बचा हुआ है, बाकी सब धान जो है पानी से पूरा भर गया है, धान पूरा गिर चुका सर। और प्रशासन सर कोई भी जो है अभी तक देखने हमारे खेत सर नहीं आया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो फसलों की बुआई हुई है, चाहे वो मक्का है, बाजरा है, ज्वार है या आलू लहसुन वगैरह है, और जिन किसानों ने सब्जी की बुआई की थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। केले आदि की फसल में बहुत नुकसान की रिपोर्ट्स हैं। तो अभी सरकार को इस बारे में विचार करके किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रावधान करना चाहिए। बादलों के इस हलचल ने जहां किसानों की कमाई पर कैंची चलाई है, तो वहीं ये बारिश आम लोगों की आमदनी पर भी असर डाल सकती है। माना जा रहा है कि पहले से ही महंगाई के बोझ तले लोगों का बजट इस बारिश से और बिगड़ेगा। आधे से ज्यादा सैलरी का अमाउंट पेट्रोल में जाता है। मेरा पेट्रोल यहाँ से था ना, मतलब मंथली का 4,000 रुपया जाता है। व्हाट इज द यूज? अभी जो है 100 रुपए का पेट्रोल जाता है, उसमें एक दो भी नहीं दिन चलता है गाड़ी। पेट्रोल डीजल की बेकाबू कीमतों के चलते ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। इससे थोक मंडी में टमाटर पहले के 25 से 30 रुपए किलो के मुकाबले बढ़कर 60 रुपए किलो हो गया है, जबकि रिटेल में ये 70 से 80 रुपए प्रति किलो पर मिल रहा है। आलू 12 से 14 रुपए की जगह 20 से 25 रुपए, प्याज 16 से 20 रुपए से बढ़कर अब 44 से 50 रुपए, भिंडी और घिया पहले के 15 से 16 रुपए से बढ़कर अब 30 से 40 रुपए, बैंगन पहले के 15 से 20 रुपए से बढ़कर अब 30 से 40 रुपए, गाजर पहले के 20 से 25 रुपए से बढ़कर अब 50 से 60 रुपए किलो हो गई है। आम आदमी तो इससे परेशान है ही, फूड इंडस्ट्री भी इससे तंग आ गई है। फ्यूल प्राइसेस के अलावा अब अचानक एक नया सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, बरसात, जो अचानक बरसात आती है उससे आलू और लहसुन के पास तो प्राइस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। उसके अलावा जो और बेसिक जो वेजिटेबल्स हैं उनके प्राइसेस भी आसमान को छू जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, जिससे कॉस्ट इनपुट जो है वो बढ़ जाएंगे और एंड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, मार्केट की रिक्वायरमेंट वैसी है, आपको एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में अगर बेमौसम बारिश ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो फिर त्योहारों में महंगाई लोगों का मजा किरकिरा कर सकती है।